अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं, महिष्मति की असंख्य प्रजा और उनके धन मान और प्राण की रक्षा करूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं। तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। लो जी, अब इंतजार की घड़ी हो गई खत्म। बाहुबली 3 की अपडेट निकल कर आ गई है। क्या है अपडेट? मूवी कब आएगी? इस बार कास्ट क्या होने वाली है? अगर मूवी आ भी गई तो बॉक्स ऑफिस में क्या धमाल कर जाएगी? सब जानेंगे बस कुछ ही देर में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना अगर आप भी बाहुबली सीरीज को दिल से प्यार करते हैं और प्रभास और राजा मौली के डाई हार्ट फैन हैं तब। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। किसी ने भी उम्मीद ना करी थी कि इंडियन हिस्ट्री में बाहुबली जैसी कोई मूवी भी आएगी। जब इसका टीजर आया था लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि इतना हाई लेवल का सिनेमा हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। फिर जब इसका ट्रेलर आया, भाई साहब मुझे अभी भी याद है जब मैंने इसका ट्रेलर देखा था, कम से कम 15 से 20 बार देख ही लिया था। नेक्स्ट लेवल का विजुअल था, नेक्स्ट लेवल स्क्रीन प्ले थे, डायरेक्शन की महक जो कहीं ना कहीं किसी भी मूवी में छूट रही थी वो इसमें प्रॉपर देखने को मिली। फुल मूवी डायरेक्शन बेस पर अपने दम पर चली थी, क्योंकि कास्ट भी कोई इतनी फेमस नहीं थी। और यहीं से एक शब्द उभर कर आता है, पैन इंडिया फिल्म। और इस पैन इंडिया वर्ड ने प्रभास की किस्मत चमका दी, इवन पूरे साउथ इंडस्ट्री की किस्मत चमका दी, क्योंकि जो प्यार अब इनकी फिल्मों को मिलता है वो बाहुबली की ही देन है। इसके बाद जब बाहुबली 2 आई, इसने तो हद ही कर दी। सारे रिकॉर्ड्स तोड़कर अपने नाम किए, पहले दिन बिग ओपनिंग डे कलेक्शन रिकॉर्ड भी अपने नाम किया, 10 दिन में ही 1000 करोड़ प्लस का रिकॉर्ड अपने नाम किया, लाइफ टाइम जॉइंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 1800 करोड़ का बिजनेस किया। भाई साहब लोगों ने दिल से इस मूवी को अपनाया और भरपूर प्यार दिया। और मैं गारंटी देता हूं कि बाहुबली 2 को यहां हर कोई बंदा कम से कम 5-5 बार तो देख ही लिया होगा। जी हां दोस्तों, मैं खुद इस फिल्म को अभी तक 5 से 6 बार देख चुका हूं। तो आफ्टर ए लॉन्ग टाइम जब 2017 में बाहुबली 2 रिलीज हुई थी, आज पूरे 6 साल बाद जबरदस्त अनाउंस हुई है कि बाहुबली 3 जल्द ही आपको मिलने वाली है। देखो जब बाहुबली 2 आई थी तब लोग यही कह रहे थे कि यार काश मूवी की लेंथ और लंबी हो जाए, मूवी जल्द ही खत्म ना हो। और जब एंड हुआ मूवी का तो एक सवाल था कि तीसरा पार्ट आएगा या नहीं, हालांकि पहले कोई अता पता नहीं था। और थ्योरी ये भी निकल कर आ रही थी कि तीसरे पार्ट के लिए स्टोरी कहाँ से लाएंगे, जितना कॉन्टेंट था उसका तो पूरा यूज कर लिया गया है। लेकिन आफ्टर 6 years वन ऑफ द प्रोड्यूसर ऑफ दिस बाहुबली फ्रेंचाइजी ने रिवील करा है कि 2024 से बाहुबली 3 की स्क्रिप्टिंग में काम होना शुरू हो जाएगा। देखो बाहुबली के वैसे तो मल्टीपल प्रोड्यूसर्स थे, लेकिन 3 मेन थे, उन्हीं तीनों में से एक ने यह अपडेट क्लियर करी है। मैं नाम भी बताता आपको, लेकिन बहुत हैवी नाम है, मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता, मुझसे प्रोनाउंस नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यस, 2024 में ग्रैंड ईयर हो सकता है हमारे लिए। देखो तब तक राजा मौली सर भी फ्री हो जाएंगे, क्योंकि उनका काम चल रहा है महेश बाबू के साथ SSMB 29 मूवी में। बाकी दोस्तों ऐसा नहीं है कि पुरानी दोनों फिल्मों से कोई लिंक होगा बाहुबली 3 का, जहाँ तक मेरे अंदाज से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि राजा मौली कहानी खींचने में विश्वास नहीं रखते। बाकी डायरेक्टर्स की तरह उनका थिंकिंग एंड विजन लेवल सबसे हटके है, तो स्टोरी बिल्कुल अलग होने वाली है। देखो कास्ट का कुछ नहीं कह सकते, पर मेरे अंदाज से कास्ट भी शायद चेंज हो जाए। लेकिन इस बार जो भी कास्ट होगी आपको चेहरे बड़े बड़े देखने को मिल सकते हैं, और मे बी एक ऑफर अमिताभ बच्चन को भी दिया जा सकता है, और दूसरा रणवीर सिंह को भी मुझे लग रहा है डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि रणवीर सिंह जैसा बंदा इस कॉन्टेंट में क्या आग लगा देगा वो हम सब जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। दूसरा, ये कहीं भी ऑफिशियली रिवील नहीं हुआ है, इट्स माय प्रिडिक्शन, माय इमेजिनेशन कि मे बी ये दोनों चेहरे हो सकते हैं मूवी में। हाँ, प्रभास का मेन लीड में ही रखेंगे, ये तो कंफर्म है। खैर ये तो बाद में पता लग जाएगा। बाकी दोस्तों इस बार बजट कितना हो सकता है? दोस्तों ह्यूज बजट हो सकता है, 800 से 1000 करोड़ के बीच में हो सकता है, क्योंकि बाहुबली 3 इस बार बवाल काट देगी, सारे रिकॉर्ड टूटेंगे, इवन बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। और 3000 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा इस मूवी को। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, कुछ टाइम बाद ये भी रिवील हो जाएगा कि कास्ट कैसी होगी, बजट कितना हो सकता है, ये सब आने वाले समय में हमको पता लग ही जाएगा। तो मैंने बहुत बोल लिया, की बारी, आप लोग बाहुबली 3 के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर बता के जाना। दूसरा एक सवाल और पूछ लूंगा, अगर बाहुबली 3 आती है तब इस बार मेल लीड में आप रणवीर सिंह को देखना चाहेंगे या फिर प्रभास को देखना चाहेंगे? फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।